चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स में मोमेंटम, आपका फैक्ट मद्रास सब में खरखत देखने को मिल रही है तेजी की तरफ। प्रदीप, कोई समझ आ रही है कि इन फर्टिलाइजर कंपनियों के जो तेजी आ रही है, खासतौर से इस हफ्ते अगर आप देखें, आरसीएफ 17% भाग गया है, 14% के गेंस एनएफएल में देखने को मिले हैं, तो ये टिकेंगे मूव्स, ये कोई ऐसी ट्रिगर है क्या इस तेजी के पीछे? ये जो मूव आ रही है वो काफी सारे कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रही है। इनफैक्ट मल्टी मंथ कंसोलिडेशन हमने अक्रॉस द बोर्ड देखा है, खास करके पीएसयू फर्टिलाइजर काउंटर्स है उसमें काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तेजी सस्टेनेबल है, क्योंकि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट जब आता है तो ये तेजी काफी सस्टेनेबल होती है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तेजी और एक्सटेंड होनी चाहिए इस सप्ताह में, और मे बी ये नेक्स्ट वीक भी एक्सटेंड हो सकता है। और अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो फर्टिलाइजर में, किसके साथ जाएंगे? आई थिंक फैक्ट एक अच्छा काउंटर लग रहा है मुझे, आरसीएफ भी अच्छा काउंटर है, जीएसएफ, एनएफसी, जो बाकी दो कंसिस्टेंट है इनमें भी काफी अच्छा रुझान है। तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे एक तेजी की गुंजाइश और बन सकती है। अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली, बहुत ही बढ़िया मूव इनफैक्ट फर्टिलाइजर कंपनियों में देखा जा रहा है, तो इस पर नजरें होनी चाहिए। कल होगा एग्रीकल्चरल कमिटी या फिर एग्रीकल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातचीत की थी सरकार से प्री बजट एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से, उसमें क्या कुछ इंडिकेशन आया है जो फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए फेवरेबल साबित होगा वो पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लार्जली हमने देखा है बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है इन फर्टिलाइजर कंपनियों में। चलिए